नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मंदीप, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मंदीप्स होम किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो शॉर्ट्स। उसको आप पोटैटो बाइट्स की तरह और छोटे साइज में भी बना सकते हैं। मेरे बच्चों की तो ये फेवरेट है, आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए और इंजॉय कीजिए ये रेसिपी। उसके लिए चलना होगा मेरे किचन में, तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो पोटैटो बाइट्स बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट आलू। मैंने इस साइज़ के आलू लिए थे, मेरे 10 से 12 इस साइज़ के आलू हैं जो मैंने मैश कर लिए हाथ से। पनीर का टुकड़ा क्रश करके डाल देंगे, हाथ धो के मैंने बिल्कुल साफ कर लिया अपने। साथ में जाएगा इसमें, अब इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन बारीक काट लिया, धनिया चॉप किया हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर बहुत थोड़ा सा लिया मैंने, चिली फ्लेक्स 1/4 चम्मच, ऑरेगानो 1/4 चम्मच, ये मैंने ली है मोज़रेला चीज़ जो 2 चम्मच डालूंगी। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिए आप। मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, खाने वाले चम्मच से मैंने सारा मेज़र किया। मैदा 2 चम्मच, एक बार इसको बाइंड करके देख लेंगे फिर इसकी कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। हाथों की मदद से ही मैं सबको मिला के डो तैयार करूंगी पोटैटो बाइट्स की। तो देखिए ये डो मेरा तैयार हो गया है। अब एक कटोरी लूंगी, उसमें लेंगे मैदा 2 चम्मच, मैदा पिंच ऑफ सॉल्ट, जरा सा नमक, पानी डाल के इसकी स्लरी तैयार करेंगे। देखिए स्लरी तैयार हो गई है मेरी, लिक्विड ही रखनी है। मेरे पास है सूजी, सूजी को किसी प्लेट में निकाल लो, प्लेट या ट्रे में ले लीजिए सूजी। अब करेंगे इसको शेप। एक तरफ मैंने पैन रख दिया है सिम पे ऑयल डाल के। पोटैटो बाइट्स या पोटैटो शॉर्ट्स जैसे भी आपने रेडी करने हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि पोटैटो को हमने कद्दूकस या ग्रेट नहीं करना, क्रश ही करने हैं हमने आलू। पोटैटो बाइट्स है तो पोटैटो छोटे छोटे मुंह में आने भी चाहिए। जैसे मैंने ये शेप दे दी, इसके बाद ये जाएगा स्लरी में। ये देखिए स्लरी से निकाल के सूजी में, और सूजी से इसको करेंगे कोट। ये देखिए सूजी कोट करी और ये एक पीस हो गया तैयार। एक और बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। सेम साइज लेके ये हमने रेडी कर लिया शेप। स्लरी में डालेंगे स्पून की मदद से, ये देखिए सूजी में, और फिर सूजी इसके ऊपर कोट कर लेंगे। ये देखिए ये दूसरा भी रोल हमारा हो गया, पोटैटो शॉर्ट रेडी। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लूँ। मेरे ये छोटे रोल्स हैं तैयार, मैंने बहुत छोटा साइज नहीं रखा, आप साइज चेक कर सकते हैं। सिम पे मेरा पैन गैस पे है, ऑयल हो रहा है, पैन मैंने रखा हुआ है, ऑयल चेक करते हैं, हीट वैसे आ रही है इसमें से। मैं एक पीस डाल के चेक करती हूँ, ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। गैस मेरा मीडियम फ्लेम पे कर दिया मैंने, पहले सिम पे था,
क्योंकि रोल बनाने में मुझे टाइम लगा, उतनी देर गैस सिम पे था और ऑयल गर्म हो रहा था। एक एक करके बहुत ही आराम से इसमें डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। आप साइज अपने मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं रोल्स का। ये हल्के हल्के लाल होने शुरू हो गए हैं, गैस मेरी मीडियम फ्लेम पे है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो बाहर से वो लाल या बहुत काले से हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे रख के ऑयल को मीडियम हॉट रखना है और फिर इसको हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे। अभी मैंने इतने ही डाले हैं, बाकी प्लेट में हैं, तो इनको फ्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए जैसे जैसे लाल होते जा रहे हैं शॉर्ट्स मैं निकालती जा रही हूँ। चीज़ अंदर है तो ये बीच में से क्रैक भी हो रहे हैं। चलिए करते हैं प्लेट। तो एक बार के पोटैटो शॉर्ट हो गए हैं रेडी, मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में। टमाटो सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करती हूँ मैं, जो कि मैंने प्लेटिंग कर दी है। देखिए एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। वाओ, चीज़ी भी है और खाने में बहुत टेस्टी। देखिए धुआं निकल रहा है। मेरी ये रेसिपी मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, आप भी बनाइए अपने बच्चों को खिलाइए। बच्चे क्या, हमारे घर में तो बड़े भी बहुत खुश होके खाते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये एक पीस मैंने आपको तोड़ के दिखाया है, बहुत ही यमी है ये। बच्चे खाने के लिए उतावले हो रहे हैं, तो मैं बच्चों को करती हूँ सर्व और मिलती हूँ आपको अपनी एक नई रेसिपी के साथ। आपको टेस्ट कैसा लगा? ट्राई करना चाहिए सबको। हाँ।